विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को लेकर पत्रकारों के बीच कुछ ऐसा कहा जिसको सुन कांग्रेस अपना मुंह छिपाए फिरेगी। दरअसल एस जयशंकर अपनी पुस्तक भारत मार्ग के विमोचन में पहुंचे थे, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो मैं मंत्री नहीं बन पाता। सुनिए आखिर क्या कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आई एम नॉट श्योर एनी प्राइम मिनिस्टर अदर देन नरेंद्र मोदी वुड हैव मेड मी मिनिस्टर। Also sometimes ask myself that if he was not the prime minister, would I have had the courage to enter politics? I don't know. प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने विदेश मंत्री से पूछा कि आप विदेश सचिव भी रह चुके हैं और अब आप विदेश मंत्री भी हैं, दोनों जॉब में आपको कौन सा जॉब सबसे अच्छा लगता है? तो इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि मैं इन तमाम चीजों को सचिव और मंत्री के बीच के अंतर को पूर्ण रूप से समझ पाया। सचिव के ऊपर मंत्री होते हैं जो एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करते हैं, और सच मायने में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विदेश सचिव से ज्यादा कुछ बन पाऊंगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो मंत्री नहीं बन पाता। नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई भी प्रधानमंत्री मुझे मंत्री नहीं बनाता। आज भी कभी कभी सोचता हूँ, खुद से पूछता हूँ कि अगर मोदी नहीं होते तो क्या मैं राजनीति में हो सकता था। बहरहाल एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच के तालमेल को भी बताया। उन्होंने कहा कि उनका और सुषमा स्वराज का अच्छा कॉम्बिनेशन रहता था, जिसकी वजह से उन्होंने सचिव और मंत्री के बीच में तालमेल को सही ढंग से समझ पाया। एस जयशंकर मौजूदा कैबिनेट मंत्री में सबसे काबिल पढ़े लिखे योग्य और बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।